शनिवार की रात को दो किराना की दुकान पे चोरी हुई थी और संभवतः उसी रात को ये जो कोऑपरेटिव ऑफिस है इसमें भी चोरी हुई है और नकद जाना ये बता रहे हैं। अभी ये अपना कैलकुलेशन करके जो भी रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। किराने की दुकान पे कितना माल गया है? वहाँ से भी कैश ही जाना बताया है। यहाँ पर यहाँ भी कैश ही बता रहे हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक हमारी जानकारी में आया नहीं है। हम आसपास के सारे कैमरे तलाश रहे हैं और जल्दी जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसको अमल में लाएंगे। हाई कमांड सेंटर के भी कैमरे लगे हुए, वहाँ से भी हम जानकारी जुटा रहे हैं। नए वाले भी अभी कैमरे नहीं है, आगे पीछे साइड में जो कैमरे हैं उनको हम देख रहे हैं। अपने मेन नए बाजार चौराहे के ऊपर हाईटेक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है। इसके ऊपर शनिवार को रात को शाम को मतलब 5 बजे दुकान बढ़ा के जाते हैं, ऑफिस बढ़ा के बंद करके जाते हैं, बंद करके गए। उसके बाद अभी कल संडे की छुट्टी थी, अभी सुबह जब आए तो नीचे अंदर से लॉक बंद था, अंदर का दरवाज़ा अंदर से लॉक बंद था, नीचे मेन गेट तो वो दरवाज़ा खुला नहीं। तो फिर हमने बुलाया वेल्डिंग वाले को भाई उसको खोलने के लिए, इधर पुलिस को इतला दे दी। ऊपर से जाकर के देखा, जब मालूम पड़ा ऊपर से वो छत पे से कोई आदमी आए हैं, छत के ऊपर जो बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है अपने इसका रेलवे की चद्दर का मोटर चद्दर का गेट लगा हुआ है, उसको उन्होंने काट के तोड़ दिया, एक खंड खाली करके उसमें से अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश के सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर वहाँ पर एक लकड़ी का गेट लगा हुआ था, उसको सरिया वगैरह डाल करके उसको तोड़ करके उसके सरिया से मोड़ के कूटे वगैरह, और फिर उसके बाद फिर नीचे आए। फिर उसके बाद नीचे आने के बाद में उन्होंने जो है वो लोहे का गेट पे फिर ताला लगा हुआ था तो वो उनसे नहीं हो सका, तो उन्होंने जाड़े को काटा है, जाड़े को काट करके और फिर उसके अंदर सीढ़ियों फिर वापस प्रवेश किया। फिर सीढ़ियों से जो है मेन ऑफिस पे भी हम लोग बैठते हैं सब, उसके अंदर उसका गेट का कूठिया वगैरह तोड़ करके अंदर पेश किया, अंदर आए। अंदर उसके अंदर कैबिनें लगी हुई है इसकी अपना एल्युमिनियम की, उस कैबिनों के अंदर जो अलग ताले से वो ताले तोड़ दिए, ताले तोड़ के अंदर प्रवेश कर लिया हमने। उसमें अंदर घुसते ही उसने किया, सबसे पहले तो हमारे जो ये सिस्टम लगे हैं इसके कंप्यूटर के इसके सब सिस्टम लगे हैं सबको बंद कर दिया, नीचे की मेन लाइन बंद कर दी और नीचे का जो अंदर से कूठे लगा के बंद कर दिया। फिर उसने अपना आकर ऊपर से 2 गिद्दे लेके आया, वो गिद्दे लाके और यहाँ बिछा करके वो गिद्दे के ऊपर अलमारी को और उसको मतलब पटक करके और उसको तोड़ा, तोड़ करके अंदर उसको लॉकर तोड़ लिया, तो उन्होंने लॉकर के अंदर 3 लाख के आसपास कैश था, चांदी के सिक्के थे और रेजगी वगैरह ये सब मतलब चीज़ें थी, वो सब चीज़ें निकाल कर वो ले गया। उसमें फाइलें भी पड़ी हुई थी जिसमें फाइनेंस करते हैं, वो फाइलें यथास्थिति में चेक से लोगों के सबके आए हुए वो सब यथास्थिति है और कंप्यूटर का सामान सब लैपटॉप बराबर है, लैपटॉप वगैरह सब बराबर है। इधर जहाँ बैठते हैं उसके पास में टेबल को जरा उसने खगोला, उसके अंदर भी उसको 50-60 रुपये की रेंज के 100-200-400-500 रुपये जो भी थे इसके अंदर वो नकद मिले और ये सब करके बस में। कितने चांदी के सिक्के लगे? चांदी के सिक्के साहब पूजा के भी थे, उसके अलावा भी थे अमूमन 10-12 सिक्के तो वो होंगे और उसको भी क्या जो प्लास्टिक को डेट पर पैक थे गिफ्ट में वो देते थे हम लोग, उसको भी उन्होंने जो क्या नाम उसका वो तोड़ा है, उसमें जो ऊपर ले जाके छत पे उसमें से सिक्के तो निकाल लिए और इनको बाहर डाल दिया। अच्छा, आपके अलावा और कहीं जब भी चोरी हुई है? हाँ, हमारे आसपास भी उसी दिन उसी रात के अंदर 2 चोरियाँ और हुई है जो हमारे 50 कदम पे ही है। कहाँ हुई है? घी मंडी बाजार में, और हमारा तो बिल्कुल एकदम मेन चोरा है जहाँ पर पुलिस वाले रात और दिन बैठ रहते हैं, सारा काम होता है, तो मतलब इतनी सेफ्टी का काम उसके बाद में फिर यहाँ हुई है। आपका नाम बता दें? मेरा नाम प्रकाश चोपड़ा है, मैं हाईटेक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन हूँ।